उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में गर्माती दिख रही है प्रदेश की राजनीति। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सपा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग हमेशा ही चर्चा का विषय बनती है। अब घोसी के उपचुनाव में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की तुलना कोबरा से कर दी है, जिसके बाद राजनीति और ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, घोसी विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए रविवार को एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट में आगामी 5 सितंबर को मतदान होने जा रहा है। उपचुनाव को लेकर अब थोड़ा ही समय बचा है, इसे लेकर इन दिनों जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी में घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए ओबीसी दलित नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया, साथ ही उनकी तुलना कोबरा नाग से भी कर दी। घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में रविवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य समेत लगभग 1 दर्जन मंत्री और विधायक पहुंचे थे। इसमें कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व विधायक विजय राजभर, पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर सहित कई दिग्गज नेता शामिल थे। इन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को वोट देने की अपील की। इस जनसभा में बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी अपनी पार्टी के लोगों के साथ मंच को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए। पहले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि घोसी उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद है, 2024 ही नहीं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद है। इस समय जनमानस की जो आवाज़ है वो बीजेपी के पक्ष में है, कमल के पक्ष में है और मुझे पूरा विश्वास है कि घोसी में कमल खिलेगा। साइकिल पंचर थी और इस बार जनता साइकिल को दोबारा पंचर करने का काम करेगी। तो अखिलेश यादव की तुलना यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कोबरा नाग से। तो राजनीति में अब आरोप प्रत्यारोप जवाब सवालों का दौर और ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।